हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर का टॉप क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड, जो आपके एग्जाम के विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, मैंने हिंदी कोर का दो वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है? इसलिए आपको सभी वीडियो को अच्छे से देख लेना है, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड का में आपका अपठित बोध आएगा दोस्तों, ये बोध को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस संबंधित यहाँ पे नीचे सवालों का जवाब देना है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के भीतर कौन सा भाव लापता होते जा रहा है? ठीक है, अकेलापन का, हृदयहीनता का, या फिर चिचलापन का, सहानुभूति का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सहानुभूति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। जो गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, उसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? सामाजिक परंपरा, मिलन के अवसर, शहरों में बढ़ता भीड़, या फिर महानगरों की सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महानगरों की सभ्यता, ठीक है, ये दोस्तों आपका गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदयहीन का क्या अर्थ है? निष्ठुर, आतुर, मुग्ध, या फिर सहृदय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पद्यांश आ गया दोस्तों, 5 से 8 नंबर तक क्वेश्चन जो भी होंगे दोस्तों, ये आपके पद्यांश से होंगे, ठीक है, इसको दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना और इससे संबंधित यहाँ पे सवालों का जवाब देना है। देखिए, 5वां नंबर, धरती वासियों से कवि क्या कह रहा है? ठीक है, मेरी बात सुनो, सदा रहो प्यार से, सब जनों की सुनो, सबको जानो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सदा रहो प्यार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है? खेत खलिहानों को, घर द्वार को, फल फूलों की, या फिर हृदय को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हृदय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 7वां नंबर, कवि ने किसे दूर रहने का संदेश दिया है? ठीक है, प्यार से, धरती से, संहार से, या मनुष्य से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संहार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां नंबर, अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और उपसर्ग उसे कहा जाता है दोस्तों जो पहले जुड़ता है, ठीक है, और प्रत्यय जो लास्ट में कोई अक्षर जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहा जाता है, और पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका व्याकरण स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से आपका व्याकरण स्टार्ट होता है, अभिव्यक्ति और माध्यम। देखिए अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत या संचारक से, प्राप्तकर्ता से, माध्यम से, संदेश से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्रोत या संचारक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 10वां नंबर, जन संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? ठीक है, ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? 1974 को, 1964 को, 1994 को, 1984 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1984 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आकाशवाणी कितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जन संचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंटरनेट, ठीक है, जो इंटरनेट है जो दोस्तों वह जन संचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखिए, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? ठीक है, नीरस होता है, व्यापक होता है, मनोरंजक होता है, या फिर संकुचित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मनोरंजक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
आप मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ठीक है, ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17वां नंबर, आलेख एक विधा है। ठीक है, आलेख जो है दोस्तों एक विधा है गद्य लेखन की, रिपोर्ट लेखन की, या फिर लघु कथा लेखन की, या फिर पद्य लेखन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो आलेख है दोस्तों वह गद्य लेखन की एक विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18वां नंबर, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, खंड गांव में आपका पाठ्य पुस्तक आ गया फ्रेंड्स। ये जो आपका पद्यांश दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका पाठ्य पुस्तक से है। ठीक है, तो इसको आपको दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? ये जो आपका पंक्तियाँ है दोस्तों वह कौन सा कविता से लिया गया है? घर की याद, वे आंखें, पथिक, या फिर सबसे खतरनाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वे आंखें, जो आपका पंक्तियाँ ये लिया गया है दोस्तों, ये आपका वे आंखें की कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20वां नंबर, किन आंखों से कवि को डर लगता है? ठीक है, जमींदार की आंखों से, साहूकारों की आंखों से, चीर सोहित किसान की आंखों से, या फिर चौकीदार की आंखों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, चीर शोषित किसानों की आंखों से दोस्तों कवि को डर लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 21वां नंबर, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? ठीक है, निर्भयता से, दैन्यता से, दुख से, या फिर अंधेरी गुफा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, अंधेरी गुफा से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22वां नंबर, दारुण दैन्य दुखों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 23वां नंबर, कबीर किस धारा को प्रतिनिधित्व कवि है? ठीक है, कबीर जो है दोस्तों कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य के, राम काव्य के, संत काव्य के, या फिर सूफी काव्य के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संत काव्य के जो कबीर है दोस्तों वह कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 24वां नंबर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे दोस्तों वह कबीर को वाणी डिक्टेटर कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 25वां नंबर, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? ठीक है, पुण्य फल की, मोक्ष फल की, कर्म फल की, या फिर आनंद फल की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आनंद फल की। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 26वां नंबर, न्यायत मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? ठीक है, कुलनासी, वृंदावासी, देवदासी, या फिर गंगा काशी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुलनासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 27वां नंबर, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं? ठीक है, कार्यालय में प्रवास कर रहे हैं, या फिर घर में, जेल में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जेल में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका गद्यांश आ गया फ्रेंड्स, ये आपका बुक से है। ठीक है, ये आपका 28 से 31 नंबर तक जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये आपका गद्यांश होगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ना और इससे संबंधित नीचे सवालों का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन 28वां नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताएं। ये जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपके किसी बुक, आपके बुक से है दोस्तों, कोई एक चैप्टर से है। ठीक है, इसका जो लेखक है दोस्तों वह कौन है? प्रेमचंद है, या फिर कृष्णनाथ है, सत्यजीत राय, शेखर जोशी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 29वां नंबर, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? पटवारी को, दारोगा को, नमक को, या फिर वकील को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नमक को। ठीक है, ये सब दोस्तों आपका पेशे में मिल जाएगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 30वां नंबर, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां नंबर, अधिकारियों के पो 12 थे, यह पो 12 का क्या अर्थ है? नुकसान होना, लाभ ही लाभ होना, सम्मानित होना, या फिर प्रसिद्ध मिलना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लाभ ही लाभ मिलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 32वां नंबर, हम हसमत रचना किसकी है? ये जो आपका हम हसमत जो भी आपका कविता है, ये आपका किसने रचना किया? ठीक है,
कृष्णा सोबती ने, या फिर मन्नू भंडारी ने, निर्मला पुतुल ने, या फिर अकमा देवी ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृष्णा सोबती ने हम हसमत की रचना की है। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ से आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स, जो भी आपका लेखक और लेखिका का नाम होगा फ्रेंड्स, उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। ठीक है, पाक कला सीखने, संगीत कला सीखने, रोजगार मांगने, या फिर साक्षात्कार लेने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। उड़ीसा के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल के, असम के, या फिर बिहार के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सत्यजीत राय रहने वाले थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो फिल्म है उसका जो शूटिंग है दोस्तों वो 2.5 साल तक चला था। सोने की किला, या फिर पथेर पंचाली, बादशाही अंगूठी, या फिर जहांगीर की स्वर्ग स्वर्ग मुद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, पथेर की पंचाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए फ्रेंड, 36वां नंबर, पंडित अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है। ठीक है, दूध का दाम, नमक का दरोगा, ईदगाह, या फिर दो बैलों की कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 37वां नंबर, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपका क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपको पाठ और लेखक का नाम जो है दोस्तों वो अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका 2 प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुपम मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कुएं की खुदाई का काम कौन करता है। ठीक है, बसोली, खड़िया, बाड़मेर, या फिर चेजारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चेजारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां नंबर, राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है। रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, या फिर रेत में कण अलग अलग रहते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40वां नंबर, चेल वांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। ठीक है, बर्तन के टोप से, बांस की टोप से, घास की टोप से, हाथ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्तन की टोप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।